यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और कर्मों के बारे में स्पष्ट व्याख्या करती है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे, कर्म का फल कभी नहीं टलता। आप किसी और पाप को टाल सकते हैं, लेकिन जो कर्म का लेख होता है उसे नहीं टाला जा सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा लेख होता है वो कर्म का ही लेख है। जैसा करेगा उसको भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। देखिए श्रोताओं, यदि आपने आज की ये कहानी, एक सारस की कहानी है, बड़े ध्यान से सुनी तो निश्चित मान लेना आप जीवन में कभी भी पाप नहीं करोगे। तो आइए श्रोताओं, मैं आपकी सेवा में ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। एक किसी गांव में एक चिड़ी मार रहता था। उसका काम था प्रतिदिन चिड़ियाओं को मारना और मार करके अपना भोजन बनाना। ध्यान से सुनने की बात है, एक दिन वह चिड़ी मार वन को जाता है। वहां उसे वन में घूमते घूमते बहुत समय हो गया, परंतु कोई भी चिड़िया, कोई पक्षी या कोई शिकार नहीं मिली। तो मन में सोचने लगा कि आज तो मुझे क्या भूखा रहना पड़ेगा, आज तो मुझे खाने के लिए कोई शिकार नहीं मिली है। हे श्रोताओं, वह जब आगे और सघन वन में आगे चला तो देखता है कि एक तालाब है और उस तालाब के पार पर एक सारस का जोड़ा है, जिसमें एक सारस के नीचे चार अंडे रखे हुए हैं, उन अंडों पर बैठी हुई है। तो उस दुष्ट चिड़ी मार ने जो सारस अंडों पर बैठी हुई थी, उस सारस को पकड़ लिया और उसे पकड़ करके अपने घर को लेकर के चल देता है। हे श्रोताओं, सारस मन में विचार करने लगी कि अब यह दुष्ट मेरा अंत करेगा, इससे कैसे बचा जा सकता है। वह मन में विचार कर रही है और ईश्वर की आराधना कर रही है कि हे भगवान, यदि आप मुझे बोलने के लिए कुछ समय को मुझे मनुष्य की आवाज प्रदान कर दें तो मैं इस दुष्ट को सबक सिखा दूंगी, फिर तो ये मुझे क्या मारेगा। देखिए श्रोताओं, वह दुष्ट उस सारस को लेकर के घर की तरफ चल देता है और अपने घर आ जाता है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मन में हंसने लगा और सोचने लगा कि आज तो मेरे हाथ बहुत बड़ी शिकार लगी है। देखिए, कम से कम 10 किलो वजन है, आज तो बड़ा आनंद आएगा, आज तो मेरा संपूर्ण परिवार जी भर करके भोजन करेगा। तो उस दुष्ट चिड़ी मार ने अपनी छुरी निकाली और उस सारस को काटने के लिए चलता है। जब सारस ने देखा कि ये दुष्ट मेरा अंत करेगा, नहीं मानेगा, तो सारस उस चिड़ी मार से कहने लगी कि दुष्ट चिड़ी मार, ध्यान से सुन, तू जो करने जा रहा है उसका फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। चिड़ी मार ने जब सारस को बोलते हुए देखा तो कहने लगा कि बहुत बड़ी विद्वान मत बने, मेरा काम है प्रतिदिन चिड़ियाओं को मारना और मैं मेरा कर्म कर रहा हूं। तो सारस कहने लगी, अरे चिड़ी मार, क्या तुमने एक किसान की कहानी नहीं सुनी। तो चिड़ी मार कहने लगा कि सारस, वो कहानी क्या है जो तुम मुझे सुनाना चाहती है, कहो कैसी कहानी है, कि ध्यान से सुनिए। तो देखिए श्रोताओं, वो सारस उस चिड़ी मार को एक कहानी सुना रही है और कह रही है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, दैव योग से उसकी पत्नी मर जाती है। हे चिड़ी मार, ध्यान से सुन, उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली और उस दूसरी पत्नी से भी
किसान को एक पुत्र प्राप्त हो गया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वह शादी योग हुआ तो ध्यान से सुनने की बात है, उस किसान ने और उसकी दूसरी पत्नी ने, सौतेली मां ने उसकी शादी कर दी। और कुछ समय के बाद वह किसान मर जाता है और उस किसान की जो दूसरी पत्नी थी वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब तो किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और जो पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा था, दोनों एक साथ रहने लगे, दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों सौतेली माओं के भाई थे, दोनों की मां सौतेली थी लेकिन पिता एक ही था, तो दोनों भाई थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। हे चिड़ी मार, बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन-ब-दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उस पर पैसा भी खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा देना नहीं पड़ेगा, हमें तो दोहरा लाभ हो जाएगा। तब उसकी दुष्ट पत्नी कहने लगी कि आपने बहुत सही कहा, किसी ना किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाइए और वो दवाओं में इसको जहर दे देगा, इसके रोग का बहाना भी लग जाएगा कि रोग से मृत्यु हो गई और वह वैद्य या डॉक्टर इसे जहर देकर के मार देगा, हम उसे इसकी एवज में कुछ पैसे दे देंगे। हे श्रोताओं, ये बात जब उस बड़े भाई ने सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसे डॉक्टर की तलाश करने लगा जो उस छोटे भाई को दवाई में जहर मिला करके पिला दे। कोई भी डॉक्टर राजी नहीं हुआ क्योंकि हत्या कौन करना चाहता है। हे चिड़ीमार, कोई भी इस संसार में ऐसा दुष्ट नहीं है जो किसी की हत्या करे, परंतु एक वैद्यनी जो डॉक्टरनी थी वो डॉक्टरनी मिल जाती है। नारी की जाति थी तो मन में सोचने लगी, लोभ आ गया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो उसको दवाई में जहर मिला के पिलाना है और किसी को शक भी नहीं होगा, तो इसलिए उस डॉक्टरनी ने उस बड़े भाई के कहने से छोटे भाई को देखने का बहाना बनाया और उसे दवाई घोटी, दवाई में जहर मिला दिया और उस छोटे भाई को पिला दिया। हे श्रोताओं, उस छोटे भाई की तड़प तड़प करके मृत्यु हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति जहर के पान से मरता है उसकी बहुत बुरे तरीके से मृत्यु होती है। उसके भाई भाभी बड़े प्रसन्न हुए, परंतु छोटे भाई की मृत्यु का दिखावा करने के लिए दुख मनाने लगे। अब बड़े भाई भाभी तो बड़े प्रसन्न थे क्योंकि मन में सोचने लगे कि उनका तो कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई, अब तो मजे हो जाएंगे। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी गर्भवती हो जाती है और उस पत्नी ने एक बड़े सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। उस पति पत्नी ने बहुत ही खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से उस लड़के की परवरिश की, लड़के को पाला पोसा, उस पर खूब धन खर्च किया और कुछ ही दिनों में वह लड़का जवान हो गया। जब लड़के की आयु 15 वर्ष हो गई, उन्होंने अपने लड़के की शादी भी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक वह लड़का बीमार रहने लगा। मां बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, जिसने जितना पैसा मांगा उसने दिया, परंतु लड़के की तबीयत ठीक नहीं हुई। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति उस किसान ने बेच दी। अब ध्यान से सुनने की बात है, जब आधी संपत्ति बेच दी गई और वह लड़का सही नहीं हो रहा है, उसका पुत्र सही नहीं हो रहा है, जिसने जितना पैसा मांगा उसको दिया, अब ध्यान से सुनिए, उसका जो पुत्र था उसका शरीर इतना जर्जर हो गया कि अस्थि पंजर शेष रह गई।
एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा देख करके उसका पिता पास में बैठा हुआ अपने मन में पुत्र की ये दयनीय हालत देख करके दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला बेटा तेरा बाप हूं मैं, भाई नहीं। तब लड़का बोला मैं आपका वही भाई हूं जो आपने जहर खिला करके मरवाया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे जहर दिलवा दिया मैं वही हूं, आपने मेरे इलाज के लिए जहर दिलवाया था, जिस समय आपने मेरा इलाज करवाया इलाज की दवाई में जहर दिलवा दिया था, क्यों दिलवाया? मेरी आधी संपत्ति के लिए, और वो मेरी आधी संपत्ति तुमने हड़प ली, अब देखिए तुम्हारी वो आधी संपत्ति बिक चुकी है और मेरा तुमसे हिसाब पूरा हो गया है, इसलिए मेरे जाने का समय हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि बेटा मेरे तो कुल का नाश हो जाएगा, जो किया वो मेरे आगे आ गया, पर मुझे ये बता तेरी इस पत्नी का क्या दोष है जिसके साथ तैने विवाह किया है, इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। देखिए श्रोताओं, जिस समय उस लड़के का जन्म हुआ था और मृत्यु हो रही थी उस समय सती प्रथा चलती थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि देखिए भाई ये वही दुष्ट डॉक्टरनी है जिसने मुझे जहर दिया था, कुछ थोड़े से पैसों के लालच में आकर के इसने ये नहीं सोचा कि किसी का पुत्र मरेगा, किसी की जान जाएगी, और इसने मुझे मार दिया। वह डॉक्टरनी भी मर गई थी और उस डॉक्टरनी ने जन्म ले लिया था मेरी पत्नी के रूप में, और आज जो मेरी पत्नी है इसे मरने के बाद जिंदा जलाया जाएगा। यही तो जीवन का उतार चढ़ाव है, यही तो कर्मों का फल है, जिसने जो किया है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। जो जिसके कर्म होते हैं वो कर्म फल तो कहीं नहीं जाएंगे, कर्मों का भोग तो अवश्य भोगना पड़ेगा। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, कर्म करो फल तो अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआ होगा उतना मीठा जल होगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो हे चिड़ी मार, ध्यान से सुन, तू मुझे काट रहा है। मेरे चार छोटे छोटे बच्चे जो बिना मेरी उपस्थिति में मर जाएंगे, इसलिए जैसे वह किसान अपने भाई को मार करके पछताया, उसका सर्वनाश हो गया, उसके कुल में उसके वंश में कोई रोने वाला नहीं रहा, इसी तरीके से तेरा हाल होगा। हे श्रोताओं, उस सारस की बात को सुनकर के उस चिड़ी मार को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस सारस को छोड़ देता है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसने अपनी छुरी को तोड़ करके फेंक दिया और उसी दिन से एक साधु का रूप धारण कर लिया। तो उस सारस के अनमोल वचनों ने उस चिड़ी मार की जिंदगी बदल दी। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी कर्मों का फल। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय